नहीं ये तो देखिए गुरु नानक देव जी की ज़बरदस्त अनुकंपा कृपा है कि मैं इसमें जुड़ गया। मतलब मैं गुरु नानक जी के पद ज़रूर गाता हूँ, उनके गाने ज़रूर गाता हूँ, मगर इसमें जुड़ जाऊँगा ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे हर भगवान की कोई भी बात हो वो मेरे दिल के करीब है, और वो मेरे दिल के करीब है इसलिए मुझको अपने करीब बुला लिया गुरु नानक देव जी ने। देखिए हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर साहब थे वो सच में ही उत्तम इंसान हैं, उनकी फितरत भी बिल्कुल बड़ी उत्तम है, बहुत सही है, और उन्होंने इसमें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं लाजवाब हैं, इसलिए कि उसी ज़माने के लाने की कोशिश की है। मुझे ख़ुद को नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा था, सच बात यह है। मैं ज़रूर गा रहा था, और जो उत्तम सिंह जी ने थोड़ी सी दो चार लाइनें बताई वही गा रहा था, उसके अलावा भी कुछ कुछ गा रहा था मुझे मालूम नहीं, मगर मैं गाते जा रहा था। अद्भुत अद्भुत मामला था, जो कि मुझे खुद को नहीं मालूम था कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब इंसान को ये ना मालूम हो कि मैं कर क्या रहा हूँ और वो कुछ अजबी चीज़ बन रही है, अगर वो अच्छी बन रही है तो उसकी अद्भुत कृपा है। मैंने जो देखी तो मैं तो उनकी अद्भुत कृपा के इस फिल्म का थोड़ा बहुत हिस्सा था जो भी कुछ, मगर वहाँ पे जो लोग देख रहे थे, बहुतों की आंखें मैंने देखा कि नम थी आंखें, तब देखी जब वो लोग बाहर निकल रहे थे, मगर बहुत प्यार से शांति से लोग सुन रहे थे देख रहे थे। ये मैं फिल्म की करामात कहूँगा या गुरु नानक देव जी की कहूँगा, गुरु नानक देव जी की कृपा थी कि वो लोग सब देख रहे थे बस। ऐसे बड़े इंसान के शब्दों के ऊपर विचार करना नहीं, वो तो कुछ अद्भुत आपके ऊपर उनकी कृपा होती है तो आप उसको मनन कर सकते हैं, उसके ऊपर टीका टिप्पणी जिसको कहते हैं कि इसका ये अर्थ इसका ये इसलिए ऐसा हुआ है। हु एम आई टू डू दैट। सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना, मेरे मना, मेरे मना। जय हो बाबा।